नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के रहने वाले एक व्यापारी को दो बदमाशों ने फोन पर जान से मारने की धमकी दी और उसे अपशब्द कहे। मामला रुपए के लेन देन का है। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस ने मामला दर्ज किया है। मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के छोटा बांगरदा का है। यहाँ के रहने वाले रवि सोलंकी नामक युवक ने थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई कि उनके छोटे भाई जैकी सोलंकी ने रतलाम के रहने वाले सुनील सूर्या और राकेश तंवर से रुपए उधार लिए थे, जिसकी मूल राशि ब्याज सहित चुकाने के बावजूद भी बदमाश उससे और रुपए की मांग कर रहे थे, जिसे लेकर बदमाशों ने उसे फोन पर अपशब्द कहे और जान से मारने की धमकी दी। धमकी देने वाला बदमाश रतलाम का रहने वाला है। फिलहाल फरियादी की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। थाना एरोड्रम में एक घटनाक्रम आया था, जिसके तहत ये रतलाम के रहने वाले सुनील सूर्या और राकेश तंवर, इनके द्वारा रवि सोलंकी जो छोटा बंगरदा के रहने वाले हैं, इनको धमकाया गया था मोबाइल फ़ोन पर, गालियाँ दी गई थी। घटनाक्रम इस प्रकार था कि जो फरियादी के भाई जैकी सोलंकी ने सुनील सूर्या से करीब 3,66,000 रुपये लिए थे, जिसके बदले में इसने ब्याज सहित 6 लाख से अधिक पैसा दे दिया। इसके बाद ये और पैसा मांग रहे थे और जिसको लेकर के घटनाक्रम घटित हुआ है। टाइम न्यूज देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।